जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार एसटीईटी के बारे में बात करने वाले हैं। एसटीईटी शिक्षकवर्गों के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, कुछ जरूरी बातें करने वाले, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आज का हेडलाइन आप लोग देख रहे होंगे, सभी विषय के बारे में बात करने वाले हैं, सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की, इस पर बात करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं सभी विषय के बारे में, उसके बाद सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस विषय के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं सभी विषय के बारे में। तो सभी विषय की बात करें तो आप लोग ये देख सकते हैं, बीते दिनों की खबरें की बात करें तो टीचर और स्टूडेंट अर्थात शिक्षक और छात्र का अनुपात की बात करें तो ये होने चाहिए, और शिक्षक छात्र का अनुपात उच्च माध्यमिक विद्यालय की बात करें तो 1:60 की बातें निकल कर सामने आई हैं। उसके बाद आगे बात करें तो सिलेबस की बात करें, पाठ्यक्रम के अनुरूप शिक्षक होने चाहिए, सभी विषय के शिक्षक होने चाहिए सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय में। बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार यदि बात करें तो विषय चुनने की आज़ादी है क्लास नाइन से ट्वेल्व के बीच में। तो ऐसे में सभी विषय के शिक्षक होने चाहिए उच्च माध्यमिक विद्यालय में। अब आगे बात कर लेते हैं, तो ऐसे में बात करें तो सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है, खासकर सभी विषय की बात करें इन दो विषयों को छोड़कर तो नौकरी पक्की तो बैकलॉग के जो पद हैं इनसे ही हो जाएंगे। अर्थात आप लोग जानते भी होंगे 32,700 कुछ पद हैं, छठे चरण की बात कर रहे हैं, जिसमें से आप लोग जानते हैं कि सर्टिफिकेट की वैलिडिटी को 16,000 सर्टिफिकेट की वैलिडिटी को 2 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। तो इस अनुसार से 16,000 सर्टिफिकेट ही हैं, जिसमें से बात करें तो बहुत सारे अभ्यर्थी को उसमें भी जॉब हो गए होंगे अन्य जगह। तो ऐसे में बात करें तो 10,000 से कम ही होंगे, तो ऐसे में बैकलॉग के काफ़ी पद जुड़ते हैं, 20,000 से भी अधिक पद जुड़ जाते हैं। तो ऐसे में सभी विषय में तो नौकरी पक्की ही है। और बात करें तो इधर नवस्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या की बात करें तो वो भी अधिक हैं, 5,000 से अधिक हैं। तो इसमें भी कुछ पद आते हैं तो भी नौकरी पक्की हो जाएगी, और वैसे बात करें तो इसमें भी 5,000 से अधिक पद आने की पूरी संभावना बनती है सभी विषय की बात करें तो नौकरी पक्की ही है। और ऐसे में बात करते हैं सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस विषय में, तो इसमें बहुत अत्यंत आवश्यक है ये जो नवस्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय के बात करें तो 5,334 ऐसे विद्यालय हैं ऑफिशियल की बात करें तो। और वैसे न्यूज़ के अनुसार यदि बात करें तो 6,000 से भी अधिक हैं, 6,421 बताया गया है न्यूज़ के अनुसार। वैसे ऑफिशियल की बात करें तो ऑफिशियल में 5,334 हैं उच्च माध्यमिक विद्यालय, जो कि नवस्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, 5,334 ऑफिशियल तौर पर बात कर रहे हैं। तो इस तरह से बात करें तो बहुत सारे पद जुड़ने वाले हैं, और सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है। खासकर बात करें सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस विषय में भी, सोशल साइंस की बात करें तो बिहार गजट का बात करें या फिर ऐसे भी बात करें, आप लोग देख सकते हैं 4 विषय को पढ़ाने के लिए बात करें तो 2 शिक्षक, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस, और इसके अलावा भी हैं कुछ हैं, आप लोग देख सकते हैं पर्यावरण विज्ञान, तो ये सभी हैं। तो इस तरह से काफ़ी विषय की संख्या है, और इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी इसको पसंद भी करते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ भी कि सबसे अधिक भीड़ की बात करें तो इसी में एप्लीकेंट की संख्या अर्थात आवेदक की संख्या है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस में ही है आवेदक की संख्या, अर्थात इन 2 विषयों को अधिक पसंद किए जाते हैं। तो इसीलिए इस विषय की बात करें तो अधिक शिक्षक भी होने चाहिए, इस अनुसार से यदि बात करें तो इन 2 विषयों में आप लोग आवेदक से ही अनुमान लगा सकते हैं काफ़ी अधिक पसंद किए जाते हैं ये 2 विषय। अब आगे बात कर लेते हैं, आप लोग ये सभी जानकारी देख सकते हैं, तो इस पर भी बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस विषय के बारे में। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बिहार गजट की बात करें तो गजट के अनुसार बात करें तो सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस विषय में भी पद आ सकते हैं। गजट में आप लोग देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस विषय की बात करें तो 1 शिक्षक होने चाहिए कंप्यूटर शिक्षक, और इसके अलावा सहायक की भी बात की गई है। तो कम से कम यदि शिक्षक भी दे दिए जाएँ तो क्लास 9 से 12 की बात करें तो इसमें काफ़ी पद आ सकते हैं, 8,000 से भी अधिक पद आ सकते हैं, और एक ही शिक्षक से यदि बात कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं एक ही शिक्षक यदि क्लास 9 से 12, अर्थात आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि मध्य विद्यालय को ही उत्क्रमित किया गया है। तो मध्य विद्यालय को जो उत्क्रमित किया गया है तो क्लास 6 से ही मान के चलें, क्लास 6 से ही 12 तक पढ़ाएंगे ये सभी, तो इसके लिए भी 1 शिक्षक तो ऐसे में आने ही चाहिए कंप्यूटर साइंस के सभी विद्यालय में बात करें तो, सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय में। तो ऐसे में काफ़ी पद आ जाते हैं, 8,000 से अधिक पद आ जाते हैं, और पहले भी बात कर चुके हैं इस पर कि कंप्यूटर शिक्षक की बात करें तो काफ़ी कम है अभी, और आप लोग जानते हैं कि 1,000 से ही अधिक बात करें तो पास किए थे 2011 की बात करें तो इस अनुसार से काफ़ी पद आने वाले हैं। विद्यालयों की संख्या के अनुसार यदि बात करें, पंचायत की संख्या के अनुसार बात करें तो 8,000 से अधिक पद आने वाले हैं कंप्यूटर साइंस विषय में। अब आगे बात कर लेते हैं, आप लोग ये भी देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस विषय की बात करें तो, हाँ आप लोग समझ सकते हैं एक ही शिक्षक बात करें तो
शिक्षक का भी काम, इसके साथ साथ बात करें तो प्रयोगशाला का भी काम करा सकते हैं। फिर भी एक शिक्षक यदि दिए जाएँ तो भी 8,000 से अधिक पद आ जाते हैं। उसके बाद आगे देख सकते हैं, पेपर वन नहीं आयोजित होता है तो संयोग अच्छा है, तो ये अच्छा भी है कि क्लास 6 से 12 तक की पढ़ाई एक ही शिक्षक द्वारा की जाएगी। वैसे तो 2 शिक्षक होने चाहिए, एक सहायक भी होने चाहिए, लेकिन तत्काल के लिए बात करें तो एक ही शिक्षक से क्लास 6 से 12 तक की पढ़ाई करें, फिर भी 8,000 से अधिक पद आ जाते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं, आप लोग ये देख सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें तो इसमें भी कंप्यूटर साइंस का महत्व काफ़ी बढ़ने वाला है। आप लोग ये देख सकते हैं, रोजगार परक शिक्षा, उसके बाद प्रोफेशनल शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास, उसके बाद आगे देख सकते हैं स्किल की शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा। तो इस तरह से बात करें तो कंप्यूटर साइंस का महत्व काफ़ी बढ़ने वाला है। और वैसे भी बात करें तो आप लोग बिहार STT की ही बात करें तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कुल आवेदक की संख्या की बात करें तो सबसे अधिक बात करें तो सोशल साइंस और उसके बाद कंप्यूटर साइंस विषय में ही है, अर्थात इन 2 विषयों को अधिक पसंद किए जाते हैं। तो इसके लिए अधिक पढ़ने वाले की संख्या है, तो ऐसे में और भी पद सृजित एवं स्वीकृत किए जा सकते हैं और भी रिक्तियों की संख्या को बढ़ाई जा सकती है विद्यालयों की संख्या को देखते हुए। और विषय की संख्या भी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अधिक है सोशल साइंस विषय में। तो इस तरह से सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है। आगे देख सकते हैं, ज्ञापन भी सौंपा गया है, यह भी बातें निकल कर सामने आई है, तो यह बड़ी खबर कही जा सकती है, बिहार गजट के अनुसार हो या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार हो, या फिर बात करें तो इस अनुसार सभी तर्क भी देख सकते हैं। सभी तर्क के अनुसार यदि बात करें तो 8,000 से अधिक पद कंप्यूटर साइंस विषय में और सोशल साइंस विषय में काफ़ी पद जुड़ने की पूरी संभावना बन रही है, जिससे बात करें तो सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस विषय में सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है। और इसके लिए चाहिए कि सभी अभ्यर्थियों को प्रयास भी करना होगा। और आगे बात करें तो अत्यंत आवश्यक है पद जुड़ना। उसके बाद आगे बात करें, आप लोग ये देख सकते हैं सोशल साइंस विषय में बात करें तो काफ़ी कैंडिडेट बाहर भी हो सकते हैं सब्जेक्ट कम्बिनेशन में। उसके अलावा बात करें अपियरिंग का मामला हो, BEd नहीं हो, उसके बाद बात करें तो कोई किसी कंपटीशन का तैयारी कर रहा हो और अप्लाई कर दिया हो, जैसे कि BPSC, इस टाइप का भी काफ़ी कैंडिडेट होते हैं। तो इस तरह से भी सोशल साइंस विषय में सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की होने वाली है, इसी तरह से कंप्यूटर साइंस विषय में भी। अब आगे बात करें तो कंप्यूटर साइंस विषय में भी बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता में भी बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं, जैसे कि केवल BCA होंगे या फिर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होंगे, या फिर बात करें तो BTech होंगे लेकिन कोई ब्रांच से होंगे, अर्थात कंप्यूटर साइंस और IT से नहीं होंगे। तो इस तरह से भी बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं और BTech के अलावा PG डिप्लोमा नहीं होंगे, तो ये भी बात है। तो इस तरह से बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं, या फिर बात करें तो केवल ग्रेजुएट होंगे और अप्लाई कर दिए होंगे, साथ साथ बात करें तो जो C-level इस टाइप का जो भी लेवल की बात की गई है वो सर्टिफिकेट नहीं होंगे। तो इस तरह से भी बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं। और आगे बात करें तो अपियरिंग का भी मामला होगा, तो ये सभी बातें हैं, तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आप लोग पहले भी देख चुके होंगे वीडियो में, तो बात कर चुके हैं सभी जानकारी। कंप्यूटर साइंस विषय के बारे में भी बाहर हो सकते हैं बहुत सारे अभ्यर्थी, तो इस तरह से सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है। अब आगे बात करें तो STT इनमेरिट PIL की बात करें या फिर RIGI याचिका की बात करें, तो इस पर पहले भी बात कर चुके हैं और डायग्राम के माध्यम से भी स्पष्ट कर चुके हैं कि सभी क्वालिफाइड हैं, विज्ञापन के अनुसार भी सभी क्वालिफाइड हैं, तो इसीलिए अब कुछ बात है नहीं, ऐसे ही आप लोग समझ सकते हैं इन सभी बातों को। सभी जानकारी स्पष्ट कर चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं जो भी आपको उचित लगे, सभी जानकारी स्पष्ट कर चुके हैं। अब आगे बात करें तो आप लोग ये सभी जानकारी देख सकते हैं, तो यही है, तो सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है। और शिक्षा मंत्री जी की बात करें या फिर अपर मुख्य सचिव जी की बात करें तो पहले भी नौकरी पक्की यदि स्पष्ट किया गया है 12 मार्च के बाद बात करें तो प्रयास किया जाना चाहिए इस अनुसार से भी, जैसे कि बात करें कि विद्यालय की संख्या को देखते हुए, पंचायत की संख्या को देखते हुए। इसके लिए बात करें तो ज्ञापन समय समय पर सौंपा जाना भी चाहिए, जिससे अधिक से अधिक पद जुड़ेंगे। और 8,000 से अधिक पद यदि जुड़ जाते हैं कंप्यूटर साइंस विषय की बात करें और सोशल साइंस विषय में भी काफ़ी पद जुड़ जाते हैं, तो सभी विषय में सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को। तो बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।